शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का, बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुनेद शेयर कर रहे हैं। जुनेद कहते हैं, मैं बहावलपुर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ बहुत ही दिल दहला देने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 25-30 साल पहले की बात है। मेरे दादाजी बताते हैं, उनके एक दोस्त थे जो सिख थे। ये तब की बात है अभी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुए थे, अलग मुल्क नहीं बने थे, तो यहाँ पर एक बहुत कदीम और पुरानी हवेली हुआ करती थी। वो हवेली एक हिंदू थे, उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद वो लोग इंडिया चले गए तो वो हवेली जो थी वो उनके कुछ दोस्त सिख बरादरी थे उनको वो दे गए। और जब इंडिया पाकिस्तान तकसीम हुआ तो वो जो सिख थे जब वो पाकिस्तान से गए तो वो हवेली जो थी वो मेरे दादाजी के हवाले करके उनके सुपरवीजन में दे गए और ये कहा कि इस हवेली की देखभाल करिएगा, हम जब कभी भी पाकिस्तान आया करेंगे हम अपनी हवेली में ज़रूर आया करेंगे। दादाजी कहते हैं हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्टाइल की वो हवेली थी, पुराने दौर की सुर्ख ईंटों की सारी वो हवेली तामीर हुई हुई थी। दादाजी ये भी बताते हैं कि उस हवेली में कोई भी नहीं रहता था, तकरीबन वो हवेली जो थी 50 साल बंद रही। उसके बाद मेरे दादाजी के भाई थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद था जैसे ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखने का, उनको वहाँ पे रहने का बहुत शौक़ था। वो बेसिकली इंग्लैंड में रहते थे तो उन्होंने मेरे दादाजी से ये कहा कि आप अपने दोस्त से बात करें, मैं उनकी ये हवेली जितनी भी महंगी है मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। दादाजी ने अपने उन दोस्तों से बात की, वो जो सिख थे तो उनका ये कहना था कि हमने तो पाकिस्तान आने का हम लोगों का तो कोई प्लान नहीं है, तो आप अपने भाई को बेशक ये हवेली हमारी तरफ से आप दे दें, आपने हमेशा इसकी देखभाल की, ये आप लोगों की ही है, हम लोगों ने इसकी कोई कीमत वगैरह नहीं लेनी। दादाजी ने अपने भाई को बता दिया। वो बड़े खुश हुए जब वो पाकिस्तान आए तो उनका सबसे पहले यही माइंड था कि मैंने उस हवेली को जाकर देखना है। और वो ये कहते थे कि मैंने वहाँ पर कोई रद्दो बदल नहीं करवानी, वो जैसी है जैसा उसका फर्नीचर है जो कुछ वहाँ पर है मैंने उसी पर रहना है। दादाजी कहते हैं जब उनके भाई पाकिस्तान आए विद फैमिली, वो लोग और दादाजी वगैरह जब उस हवेली में गए, दादाजी उस हवेली की देखभाल करवा दिया करते थे, सफाई वगैरह का ख्याल रखते थे, प्रॉपर वहाँ पर रहता कोई नहीं था। दादाजी कहते हैं जब हम लोग उस हवेली को बाकायदा रहने की गर्ज से देखने के लिए गए तो उस हवेली में जब हम लोग दाखिल हुए उस हवेली के बहुत से हिस्से थे। जब दादाजी ने वो जो सिख थे उनसे बात की थी तो उनका ये कहना था कि हवेली का बैक साइड पर एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर आप लोगों ने नहीं जाना, उस बैक साइड के हिस्से में एक तहखाना है, आपने गलती से भी उस तहखाने की तरफ नहीं जाना। लेकिन वो कोई ख़ास वजह नहीं बताते थे, बस टाल देते थे बात को। दादाजी ने जब अपने भाई को ये बात बताई उनके माइंड में ये चीज़ आ गई कि शायद वो पुराने दौर की हवेली है तो वहाँ पर कुछ जैसे ख़जाने होंगे तो इसलिए हमें मना कर रहे हैं कि हम वो ना लें। उनके माइंड में थोड़ी सी इस बात को लेकर लालच आ गई। दादाजी ने उन्हें मना किया और ये कहा कि आप हवेली के उस हिस्से में मत जाना, वो जैसे है उसको वैसे ही बंद रहने दें, बाकी हवेली बहुत बड़ी है जितना मर्ज़ी इसको इस्तेमाल करें। दादाजी कहते थे कि वो हवेली जब हम लोग उसमें गए वो इतनी पुरसरार सी थी, वहाँ पर ना चाहते हुए भी एक अजीब सी वहशत थी, ऐसा महसूस होता था कि वो खाली नहीं है, जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है। हमें बहुत से साए नज़र आए, ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से गुजर गया है, कभी ऐसा फील होता था जैसे हम लोग किसी जगह पर दाखिल हुए तो कोई सामने से गुजर कर गया है, ऐसा बहुत बार हुआ। लेकिन उन लोगों ने इस बात को अपना वहम समझा कि हवेली बड़े अरसे से खाली पड़ी है तो हम लोगों का वहम होगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वहाँ पर उसकी तामीर देखकर, उसकी चीज़ें देखकर वो बड़े हैरान हुए, सारी फैमिली बड़ी हैरान हुई। खैर दादाजी के जो भाई थे वो अपनी फैमिली समेत वहाँ पर शिफ्ट हो गए, उन्होंने ये कहा कि हमने इधर ही रहना है, हम इधर रहकर इसकी बाकी जो सफाई वगैरह डस्टिंग हम लोग वो करवाते रहेंगे। वहाँ पर उनकी वो पहली रात थी
अब उनके माइंड में ये भी प्लान था कि मैं इस हवेली को देखूँगा, मैं उस हिस्से में भी जाऊँगा। 2-3 दिन गुजर गए उनको वहाँ पर, पहली रात भी ठीक गुजर गई। बस वो ये कहते थे कि रात के टाइम हम लोगों को यहाँ पर घुटन बहुत महसूस हुई है। शायद वो काफ़ी अरसे से बंद थी, लेकिन इतने बड़े बड़े कमरे थे, इसके बावजूद वो ये कहते थे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई सांस बंद करने की कोशिश करता है। अब जब तीसरा दिन हुआ तो दादाजी के जो भाई हैं, दोपहर के टाइम वो हवेली के उस हिस्से की तरफ गए जिसके बारे में उन्होंने मना किया हुआ था। बैक साइड पर एक बहुत लंबी गैलरी थी, उस गैलरी के आगे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था। उस दरवाज़े के ऊपर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। ताला बहुत कदीम और पुराने दौर का था। उस ताले के ऊपर सुर्ख रंग का एक धागा बांधा हुआ था। दादाजी के भाई ने उस ताले को तोड़ दिया और वो धागा उतार कर फेंक दिया। जैसे ही दादाजी के भाई ने उस हिस्से का दरवाज़ा खोला, उसके आगे भी एक बहुत बड़ा जैसे कोई हॉल कमरा होता है वो था। कहते हैं कि अंदर से बहुत तेज़ हवा का झोंका एक आया। वहाँ पर कोई वेंटिलेशन नहीं थी, ओपन कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो तेज़ हवा का झोंका ऐसे था कि वो 2 कदम पीछे हट गए कि ये इतनी तेज़ हवा कहाँ से आई है। अंदर गए, लाइट्स वगैरह चेक की तो वहाँ पर स्विच बोर्ड पुराने दौर का लगा हुआ था। जैसे लाइट ऑन की उन्होंने तो वहाँ पर लाइट तो थी नहीं, पता नहीं शायद उसकी लाइट भी काटी हुई थी। उन्होंने टॉर्च की मदद से देखा तो उसी हॉल कमरे में एक और दरवाज़ा था जो बेसमेंट की तरफ जाता था। जब वो उस कमरे के दरवाजे के ऊपर गए, उसको खोलने की कोशिश की तो वो खुल नहीं रहा था क्योंकि उस दरवाजे के ऊपर कील लगे हुए थे। बाकायदा कील गाड़ कर उसको बंद किया गया था। दादाजी के भाई ने कुछ मजदूर बुलाए और उनसे कहा कि ये कील उखेड़ दो। उन्होंने वो दरवाज़ा, जैसे कील उखेड़े, उन्होंने उन मजदूरों से ये कहा कि बस अब तुम लोग जाओ यहाँ से। वो लोग बाहर चले गए। अभी वो पूरी तरह से उस गैलरी से बाहर नहीं गए थे कि दादाजी के भाई की चीखों पुकार सुनाई दी। और जब वो लोग उनके चीखों पुकार सुन के उस हॉल कमरे में गए तो दादाजी के भाई उल्टे हवा में लटके हुए थे, लेकिन उनको किसने पकड़ा था ये कोई नहीं जानता। उनको उछाल कर किसी ने दूर फेंका, यहाँ तक कि उनकी कमर की हड्डी पर बहुत से चोट भी लगी और वो बेहोश हो गए। उनको फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। जो लेबर थे, जो मजदूर वहाँ पर आए थे, उन्होंने ये बात दादाजी को बताई। हॉस्पिटल में जब उनको एडमिट करवाया, उनकी कमर की हड्डी पर बहुत गहरी चोट लगी थी, एक माह वो बेड से उठ नहीं सके। जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जैसे ही वो कील निकाले गए, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अभी मैं 2 से 3 सीढ़ी नीचे ही उतरा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सीढ़ियों से चढ़कर कोई ऊपर आ रहा है। मैंने जब गौर करना चाहा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और ये कौन है, तो वो एक बहुत भयानक औरत थी। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आँखें थी और बिल्कुल सफ़ेद थी, उनमें कोई आईबॉल नहीं था। उसकी नाक भी बहुत ज़्यादा लंबी थी और उसके अजीबोगरीब तरह के दांत थे, और ऐसा लगता था जैसे उसकी ज़ुबान जो है वो सांप की तरह है। बस उसको देखने की देर थी, उसने एकदम मुझे जैसे पकड़ लिया और हवा में उल्टा कर दिया और ये कहा कि यहाँ दोबारा मत आना, और मुझे दूर फेंक दिया। दादाजी ने अपने भाई को बहुत बहुत डांटा और ये कहा कि आपको मना किया था, आपके जहन में लालच क्यों आ गया इस चीज़ को लेकर, इतनी बड़ी हवेली आपको मिल गई, फिर आपने ये लालच क्यों किया। उसके बाद उन लोगों का वहाँ पर रहना मुहाल हो गया। सारी रात उस पूरी हवेली में डरावनी चीखें गूंजती थी। एक औरत थी जो वहाँ पर रोती थी सारी रात, और वो हवेली का हर कमरे का हर दरवाज़ा सेम टाइम पर खटखटाती थी। उसके हज़ारों रूप थे, कभी वो किसी रूप में सामने आती थी, कभी वो किसी, अगर वो घर के 10 अफराद हैं तो 10 के 10 अफराद को वो मुख्तलिफ रूप में दिखाई देती थी। उन लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भी गुजारे होंगे तो 2 माह। 2 माह के बाद जब दादाजी के भाई कुछ चलने के काबिल हुए तो वो लोग वापस इंग्लैंड चले गए। उस हवेली को दोबारा से बंद कर दिया गया। फिर वो हवेली एक खौफ की अलामत बन गई क्योंकि रात रात भर उस हवेली से चीखों पुकार सुनाई देते थे। बहुत ज़्यादा दराज कद वाली कोई औरत जिसके माथे में से रोशनी निकल रही होती थी, वो हवेली के छत पर नज़र आती थी और ऐसा लगता था कि जैसे वो आसमान की तरफ उड़कर जाती है। डर के मारे उस हवेली के पास से भी कोई नहीं गुजरता था। दादाजी ने ये बात जब अपने दोस्तों को बताई तो उनका ये कहना था, हमने आपको सख्ती से मना किया था, हम लोग इस हवेली को छोड़कर इसीलिए भागे थे।
क्योंकि उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो पहले हिंदू फैमिली रहते थे उनमें एक आदमी था जो बहुत बड़ा जादूगर था। उस जादूगर ने यहाँ पर एक चुड़ैल का चिल्ला करके उसको कैद किया हुआ था। वो चुड़ैल उसके सारे काम करती थी और उस चुड़ैल का नाम पारसी चुड़ैल था। वो चुड़ैल की ऐसी किस्म थी जो बहुत ज़्यादा सख्त थी। जैसे ही वो जादूगर उस चुड़ैल से कोई काम लेता था तो उसके काम के इव्स वो उसके ख़ानदान के ही किसी फ़र्द को मार देती थी, मौत के घाट उतार देती थी। वो उसी के ख़ानदान के किसी न किसी अफराद की बलि मांगती थी। तो फिर उस जादूगर ने इस हवेली को छोड़कर वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा और वो अपनी पूरी फैमिली लेकर हिंदुस्तान चला गया और उन लोगों को सख्ती से मना करके गया कि उस हिस्से में मत जाना, वहाँ पर एक चुड़ैल कैद है। और जब वो लोग सिख वहाँ पर आए, वो लोग उस साइड पर नहीं जाते थे, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि हम रात रात भर यहाँ पर सो नहीं सकते थे, हमें काले रंग के साए और हेवले दिखाई देते थे जो उस जादूगर के बहुत से जिन्नात थे जिनसे वो काले जादू के इल्म किया करता था। वो हेवले यहाँ पर उड़ते भागते दौड़ते नज़र आते थे। कभी कोई चीख की आवाज़ आ जाती थी, कभी कोई हंसी की आवाज़ आ जाती थी और रात को सोए हुए लोगों के बेड इस तरह से हिलते थे जैसे उनको पकड़ कर कोई हिलाता है, जैसे सलसला आता है और कोई चीज़ वाइब्रेट होती है। वो सिख तो वहाँ से चले गए, उन्होंने सख्ती से मना भी किया था, लेकिन दादाजी के भाई के दिल में वो लालच था। उन्होंने हिसार करके उसको वहाँ पर कैद किया हुआ था, इसीलिए ताले के ऊपर सुर्ख धागा था और उस दरवाज़े को, तहखाने के दरवाजे को कील लगाकर बंद किया गया था। लेकिन अपनी लालच के मारे उन्होंने वो हिसार तोड़ दिया और वो चुड़ैल आज़ाद हो गई। दादाजी के जो भाई थे वो ये भी बताते हैं कि उनकी मिसेज और बच्चे ये कहते हैं कि हमने दो चेहरों वाली औरत को देखा है, यानी उसका धड़ एक होता था, उसके चेहरे दो होते थे और वो इतनी डरावनी होती थी, अक्सर वो उसी गैलरी में दिखाई देती थी और देखते ही देखते वो गायब हो जाती थी। वो इतनी ब्लैक थी कि वो अंधेरे में सिर्फ चमकती आंखें नज़र आती थी और जब वो कभी रोशनी में दिखाई देती थी तो वो फ़ौरन से पहले गायब हो जाती थी, क्योंकि उन लोगों ने अपने घर में कुरान पाक रखा हुआ था। उस हवेली में, जिन कमरों में, जिस जगह पर वो रहते थे वहाँ पर कुरान पाक था, इसलिए वो उस तरफ आ ही नहीं सकती थी। अगर वो उस साइड पर आती तो वो जलकर राख हो जाती। फिर जब वो लोग वहाँ से भागे उसके बाद वो हवेली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। उसके बाद दादाजी कहते हैं कि हमने उसकी हिफाजत भी छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता था। वहाँ पर दिन तो दिन, रात के वक्त भी गलती से अगर कोई उसके आगे से भी गुजरता था तो उसको आवाज़ें आती थी, औरतें नज़र आती थी। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों का ये भी मानना था कि हमने बकायदा यहाँ पर बेतहाशा औरतें देखी हैं जो बंद दरवाजे के अंदर जाती हुई गायब हो जाती हैं। रात के टाइम वो ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा औरतें होती हैं और वो लाइन में खड़ी होती हैं और वो इस हवेली के बंद दरवाजे के अंदर जा रही होती हैं। वो उसी चुड़ैल के रूप थे जो मुख्तलिफ रूप लेकर वहाँ पर नज़र आती थी। बहुत से लोग वहाँ से डर कर भागे, बहुत से लोगों के साथ उस वहाँ से गुजरते वक्त भी हाल ऐसे वाकयात हो जाया करते थे। हम लोगों के दादाजी जब हमें ये बात सुनाते थे हम लोग बहुत डर जाते थे। उसके बाद दादाजी का इंतकाल हो गया, हम लोगों को उस हवेली का एड्रेस नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। दादाजी के छोटे भाई आज भी ज़िंदा हैं, अगर उनसे आज भी उस बारे में बात की जाए तो वो डर जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे सामने उसका जिक्र भी मत करो, क्योंकि उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई। उस चुड़ैल ने उनको बहुत बहुत तंग किया, उसका साया उन पर भी हो गया था, उनके बहुत से कारोबार में लॉस हो जाते थे, उनके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी थी, उनके घर में अजीबोगरीब किस्म के कीड़े निकलते थे, यहाँ तक कि उनको अपने घर में भी डरावने चेहरे वाली मखलूकात नज़र आती थी। फिर उन लोगों ने बहुत अरसा इलाज करवाया, रूहानी इलाज, तब जाकर उस मखलूक से उनकी जान छूटी। ये हम लोगों के ख़ानदान की एक कहानी थी जो हमारे दादाजी ने हमें सुनाई थी और मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी समीना शेयर कर रही है। समीना कहती है, मैं मियाँ वाली की रहने वाली हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है, हम लोगों ने एक घर रेंट पर लेना था क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर जो था वो सेल हो गया, तो हम लोगों को फ़ौरन से घर चेंज करना था। जिस घर में हम रहते थे वो भी रेंट पर ही था,
तो मेरे हस्बैंड ने डीलर्स को कहा हुआ था कि हमें कोई घर चाहिए। हम लोगों के दो बच्चे थे, बिल्कुल छोटे थे, और हम लोगों को कोई बहुत बड़ा घर की हमारी डिमांड नहीं थी। हम लोगों को शाम 6 बजे फ़ोन आया एक डीलर का। उसने ये बताया कि एक घर है, आप लोग उसको विज़िट कर लें, अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपका घर फाइनल करवा दूँगा। उसने हमें लोकेशन बता दी। मैं और मेरे हस्बैंड हम बच्चों को लेकर वो घर देखने के लिए चले गए। वो घर जो था बहुत पुरानी सी एक लोकेशन थी, एक बहुत पुराना सा मोहल्ला टाइप जगह थी, वहाँ पर वो घर था। वहाँ पर बाकी भी सारे घर बड़े पुराने पुराने थे। ये जो घर था ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, रहने के काबिल था। और डीलर ने हमें ये बात बताई थी कि ये घर 5-6 माह से खाली है। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों ने नया घर बना लिया और वो लोग वहाँ पर चले गए। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हमें घर दिखा दो। वो जो जगह थी काफ़ी ज़्यादा पुरौनक जगह थी, जैसे पुराने मोहल्ले होते हैं। तो हमें कोई हमें यही था कि हम लोग ये घर ले लेंगे। जैसे उसने घर का दरवाज़ा खोला, हम लोग अंदर घर देखने के लिए जब एंटर हुए, तो वो जो डीलर था वो भी हम लोगों के साथ ही था। अभी जैसे ही हम लोग गेट से अंदर एंटर हुए, वहाँ पर एक गैरेज सा बना हुआ था, उसके आगे एक दरवाज़ा लगा हुआ था जो मेन एंट्रेंस का डोर था। उसको जब हम लोगों ने खोला, आगे डीलर था, उसके पीछे हम लोग थे। एकदम से जो मेरा बेटा है, 5 ईयर्स उसकी एज थी, तो वो गेट की तरफ वापस भागा। तो मैं उसको पकड़ने के लिए, जैसे ही उसको पकड़ने के लिए मैं आगे गई, तो वहीं से एंट्रेंस के साथ ही एक बैक साइड पर एक गैलरी सी थी। मैंने देखा कि उस गैलरी की तरफ कोई आदमी जा रहा है। मैंने खुद उस आदमी को देखा, सफ़ेद कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड से ये कहा, अभी इस तरफ मैंने किसी आदमी को जाते देखा है। वो फ़ौरन से पीछे पलटे, उन्होंने डीलर को भी बुलाया और ये कहा कि यहाँ पर भी मेरी मिसेज ने किसी आदमी को जाते देखा है, आप तो कह रहे थे ये घर खाली है। उस डीलर ने कहा, मैंने आपके सामने इस घर का ताला खोला और गेट तो बंद है। ऑब्वियसली अगर गेट खुला होता तो कोई अंदर आता, तो हम ये बात कह सकते थे कि अंदर कोई आया है। मैंने उन्हें खुद कहा कि मैंने अभी इस तरफ से किसी आदमी को जाते देखा है। उन लोगों ने फ़ौरन से उस गैलरी की लाइट ऑन की और वो दोनों जाकर वहाँ पर किसी आदमी को देखने लग गए। जब वो लोग आगे गए, वो पूरी गैलरी थी, बैक साइड पर भी कनेक्ट करती थी, तो वहाँ पर जब जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस आए, उन्होंने ये कहा कि आपको वहम हुआ है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी यही कहा कि कोई भी नहीं है, आपको वहम हुआ है। अब वो लोग घर देखने के लिए अंदर जाने लगे, मुझे भी बुला लिया। हम लोगों ने घर देखा, वो घर जो था ठीक था, हम लोगों की फ़ैमिली के लिए बिल्कुल ठीक था। खैर, हम लोगों ने वो घर फाइनल कर दिया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोगों को घर पसंद आ गया, छोटा सा था और उसका जो रेंट था वो बिल्कुल कम था। हम लोगों ने घर फाइनल कर दिया और हम लोग विद इन 3 or 4 days उस घर में शिफ्ट हो गए। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो उस घर में अभी नेबर में काफ़ी लोग थे, लोगों को पता चल गया यहाँ पर नए पेइंग गेस्ट आए हैं। अभी मेरा किसी के साथ कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई थी, मैं घर सेटिंग में लगी हुई थी। तकरीबन 3rd दिन था तो मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी जॉब पर चले गए, मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी। दोपहर का टाइम था, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। तो मैं जैसे ही बाहर जो गैरेज था वहाँ की सफाई कर रही थी सारी, एकदम से मुझे किसी आदमी के खांसने की आवाज़ आई, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास खड़ा होकर जैसे कोई खांसता है बहुत भारी सी आवाज़ में। तो मैं एकदम से पीछे पलटी तो मैंने देखा कि एंट्रेंस डोर का जो दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ टीवी लाउंज में एक आदमी खड़ा है। उसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक था, आज भी वो सफ़ेद सूट में ही था। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था, उसने वही सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना था जो मैंने पहले दिन देखा था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा बड़ा था, आंखें भी बहुत बड़ी थी, सर पर बाल नहीं थे। वो बाकायदा वहाँ पर खड़ा होकर हंस रहा था। उसको देखने की देर है मुझे एकदम बच्चों का ख्याल आया और मेरी बहुत ऊंची चीख निकल गई। जैसे मेरी चीख निकली वो एक दो कदम दरवाजे से दूसरी तरफ हुआ, मैं भागकर अंदर गई, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मैंने फ़ौरन से अपने बच्चों को लिया, मैं गेट से बाहर आ गई। बिल्कुल साथ वाले घर की एक आंटी खड़ी हुई थी बाहर, उन्होंने जब देखा कि मैं बहुत घबराई हुई, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बात है। मैंने उन्हें बताया कि अभी आए हुए 2-3 दिन हुए हैं, तो अभी मुझे तो इस घर में कुछ अजीब व गरीब महसूस हो रहा है, कुछ नज़र आया मुझे। उन्होंने फ़ौरन से मुझे अपने घर लेकर गई, पानी पिलाया, गेट मैंने बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि पहले दिन भी मैंने यहाँ पर एक आदमी को देखा था और आज फिर मैंने उसे देखा, वो बिल्कुल सामने खड़ा था। और आंटी का ये कहना था कि यहाँ पर जो फैमिली पहले रहती थी
वो लोग सिर्फ यहाँ पर 3 बार रुके हैं, इस घर में कोई भी नहीं रह सकता। ये घर बहुत ज़्यादा असेफ सता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात का बसेरा है। हम लोगों का घर बिल्कुल साथ है, पहले हम लोगों के घर की दीवार बिल्कुल इनकी दीवार के लेवल पर थी, लेकिन बाद में हम लोगों ने वो दीवार ऊंची करवा दी, क्योंकि रात के टाइम जब हम लोग गर्मी के मौसम में अपने सहन में सोते थे तो इस दीवार के ऊपर मुख्तलिफ हम लोगों को चेहरे नज़र आते थे, इस घर की तरफ से कोई झांक कर देख रहा होता था। अभी हालांकि उस घर की दीवार काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी, उनके घर में कोई भी नीचे किसी सपोर्टिव चीज़ के रखे बिना ऊपर देख नहीं सकता था। तो वो कहती थी कि हमें यहाँ पर अक्सर कुछ ना कुछ दिखाई देता था। फिर हम लोगों ने एक मौलवी साहब से बात की तो मौलवी साहब ने हमें एक तावीज़ दिया था जो हमने दीवार में लगाकर हमारे घर की दीवार को ऊंचा कर दिया था। तो यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है, आप लोग यहाँ पर आप लोगों को पता करना चाहिए था, मोहल्ले से पूछना चाहिए था, ये वो उन्होंने ये बातें की। अब मैं तो बहुत डर रही थी, मैंने उनके ही घर से अपने हस्बैंड के ऑफिस में कॉल की, क्योंकि मेरा तो मोबाइल भी घर था। वो जब उन्होंने मेरे से बात की वो बड़े परेशान हो गए, वो फ़ौरन से घर आ गए। जब वो घर आए तो मैं बच्चों को लेकर उनके साथ ही घर गई। अभी हम लोग घर में दाखिल हुए, मैंने अभी सफाई की थी जब ये दोपहर का सारा माजरा है, और स्टिल हम लोगों के गेट के बाहर पानी भी था। जब हम लोग घर में दाखिल हुए तो इतने बड़े बड़े पैरों के निशान थे जैसे कीचड़ के पाँव होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े पैरों के निशान थे और वो उसी गैलरी से लेकर घर के अंदर तक जा रहे थे। जब हम लोग उन पैरों के निशान के ऊपर जाने लगे, वो जो बकायदा कीचड़ के निशान थे, तो वो उस घर के एक स्टोर रूम की तरफ जा रहे थे। स्टोर रूम के अंदर कोई निशान नहीं था, लेकिन गैलरी से लेकर पूरे टीवी लाउंज से लेकर उस स्टोर रूम तक वो निशान थे। मेरे हस्बैंड को भी यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर उस घर में हमने वो दोबारा उनके साथ मैं घर में आई, हमने डीलर से बात की, डीलर फिर आ गया। डीलर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो ये कह रहा था ये महल्लेदारों को आदत होती है झूठ बोलने की, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो पहले भी फैमिलीज रह कर गई हैं। हमने उसे ये कहा कि हमें कोई घर जल्दी दिखाओ, हमने इस घर में एक दिन भी नहीं रहना। उसने फिर भागदौड़ शुरू कर दी। अब वहाँ पर तकरीबन घर इतनी आसानी से तो घर नहीं मिलते, एक हफ़्ता हम लोगों को मज़ीद वहाँ पर रहना पड़ा। एक हफ़्ते के बाद हमें घर मिला। उस एक हफ़्ते के दौरान हम लोगों के घर में बहुत अजीबोगरीब वाकयात होते थे। हम लोगों को बहुत बड़े चेहरे वाला एक आदमी हम लोगों के कमरे की विंडो में खड़ा हुआ नज़र आता था। शाम के टाइम जब कर्टन हटाते थे तो वो बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता था। हम लोग बहुत डरते थे, फिर हम लोग कर्टन आगे कर देते थे, बच्चों को हम लोग कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। वो एक हफ़्ता हम लोगों ने कमरे में ही रहकर गुजार दिया, यहाँ तक कि बाहर निकलकर किचन में मैं खाना नहीं बना सकती थी। मुझे इतना डर लगता था कि जब मैं किचन में खाना बना रही होती थी, मुझे बकायदा एहसास होता था, महसूस होता था कि कोई झांक झांक कर मुझे देख रहा है। कभी रात के टाइम खांसने की आवाज़ आना, कभी चलने की आवाज़ आना, बाथरूम के टैप खुद ब खुद खुल जाना, किचन का जहाँ पर सिंक पर मैं काम करती थी वो टैप कोई बंद होने देता ही नहीं था, वो टैप सारी सारी रात खुली रहती थी। सुबह जब हम लोग जागते थे तो टंकी खाली हुई हुई थी, पानी की होती थी। बहुत हम लोगों ने वहाँ पर डर के वो एक हफ़्ता गुजारा। मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, एक हफ़्ते के अंदर अंदर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पर जो 10-12 दिन हमने गुजारे थे वो बहुत ज़्यादा डरावने थे। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया समीना आपका, जिसने ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nausheenwork57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं अनवर अलीगी का एक नया नावल ऑन एयर कर रही हूँ बसेरा, आप लोग उसको ज़रूर विज़िट करिएगा, आपको पसंद आएगा। आज उसकी फ़र्स्ट एपिसोड मैं ऑन एयर करूँगी 7:00 PM, तो उसको ज़रूर विज़िट करिएगा। मेरा जो थर्ड चैनल है स्टोरी चैनल विलेज टून्स स्टोरी, वो एनिमेटेड स्टोरीज़ हैं, मोरल स्टोरीज़ हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर उस चैनल को दिखाइए, आप लोगों को वो स्टोरीज़ भी बहुत पसंद आएंगी। नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।